दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने WhatsApp पे पासवर्ड कैसे लगाएं बिना कोई थर्ड पार्टी ऐप के। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने WhatsApp को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पे 3 डॉट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों सेटिंग को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे आपको अकाउंट पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसको टर्न ऑन कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर अपना जो भी पासवर्ड रखना चाहें यहाँ पर डाल देना है। फिर उसके बाद दोस्तों कन्फर्म करने के लिए वही पासवर्ड फिर से डाल देना है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल कर देना है। अगर आप अपना ईमेल आईडी नहीं डालना चाहते तो दोस्तों आपको यहाँ पे स्किप कर लेना है। ईमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फिर से ईमेल आईडी अपना डाल के कन्फर्म कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका यहाँ पे पासवर्ड इनेबल हो चुका है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आके डन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने WhatsApp पे पासवर्ड लगा सकते हैं बिना कोई थर्ड पार्टी ऐप के। तो चलो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने WhatsApp को ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमारा पासवर्ड यहाँ पर इनेबल हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों आपको अपना WhatsApp ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे पासवर्ड इनेबल हो चुका है। तो आप दोस्तों यहाँ पे अपना पासवर्ड जो भी डाले हो यहाँ पे डाल के अपने WhatsApp को ओपन कर लेना है। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल पर लेके आते रहता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।